ओके हाय एवरीवन, दिस इज रश्मि। आप सभी का यह रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके सामने बहुत ही आपके 2019 प्रीवियस ईयर सीएसई थर्ड सेम का सीरीज बना रही हूँ मैं, तो उसी का ये 5B पार्ट 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन, राइट? सो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करके शेयर कर दीजिए, मैं उसके बाद सवाल की तरफ बढ़ती हूँ। तो यह रहा आपका सवाल, कहता है इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन आपका है एफ डॉट एन डी एस, वेयर एफ इज इक्वल टू गिवन है 4xz i - y²j + yzk एंड एस इज द सरफेस ऑफ द क्यूब बॉन्डेड बाय एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 1, जेड इज इक्वल टू 0, जेड इज इक्वल टू 1 बाय यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। समझ में आ गया आप लोग को सवाल में क्या दिया हुआ है कि आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को यूज करके क्या निकालना है, आपको इवेल्युएट करना है इसको, है ना? ये जो गिवन है ये आपको इवेल्युएट करना है सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन डॉट एन डी एस, जहाँ एफ आपको दिया हुआ है और एफ जो है जिसमें बॉन्डेड है वो सब कुछ आपको दिया हुआ है, ठीक है? सरफेस ऑफ द क्यूब जो है बॉन्डेड है, तो क्यूब में तीन डायरेक्शन होगा ना, तो वो आपको एक्स वाई और जेड का लिमिट दिया हुआ है 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1, फाइन। तो आपको ये सवाल काफ़ी इजी है। तो आपको पता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है ये रिलेट करता है सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल से, है कि नहीं? तो आपको ये ध्यान रखना है कि सरफेस इंटीग्रल जो है जो आपको निकालना है एफ डॉट एन डी एस इज इक्वल टू क्या होता है वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट एफ डी वी, राइट? तो इसके जगह पर हम लोग क्या करेंगे, डेल डॉट एफ का वैल्यू पुट करेंगे। तो ये एफ का कौन सा होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये डेल क्या डिनोट कर रहा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। सो आप इसके जगह पर क्या लिखेंगे, ट्रिपल इंटीग्रेशन वॉल्यूम साइन देंगे आप, है ना? वॉल्यूम के लिए ट्रिपल इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ेगा। और डेल के लिए क्या हो जाएगा, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, इसका मतलब यही होता है, ठीक है? तीनों डायरेक्शन में आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन, फाइन, आई जे के रेस्पेक्ट में। और एफ जो आपका दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 4xz i - y²j + yzk इंटू होल के साथ डी भी हो जाएगा, है ना? तो ये आपका सवाल में गिवेन है। देखिए यहाँ तक आपको कोई समझने में दिक्कत नहीं है, ये रिलेशन आपने बहुत फेमिलियर है, नहीं फेमिलियर है तो हो जाइए, दिस इज़ वेरी सिंपल रिलेशन सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल के बीच, ये रिलेशन गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के द्वारा दिया गया है, तो उसी में हम डायरेक्ट आपका ये पुट कर रहे हैं। अब अपन क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पर, तो आपको करना क्या है, बहुत सिंपल, सबके साथ तो मल्टीप्लिकेशन होगा नहीं, आपका डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ आई आई के साथ जे जे का मल्टीप्लिकेशन, के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है कि नहीं, बाकी आई जे जे के जो डिफरेंट टर्म्स है वो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, ये आपको पता है, नहीं भी पता है तो जान लीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि आई है डेल बाई डेल एक्स, तो इसका किसके साथ हो जाएगा, 4xz i, है ना? बाकी टर्म के साथ इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन जीरो हो जाएगा। सो आपने यहां क्या लिखा, डेल 4xz बाई डी डेल एक्स, राइट? सिमिलरली इसके लिए क्या लिखिएगा, डेल बाई डेल वाई, और यहां पे माइनस वाई स्क्वायर है, सो यहां आपने यहां प्लस लिखा तो यहां माइनस वाई स्क्वायर लिख दिया, प्लस डेल बाई डेल जेड, और ये कौन सा टर्म आ जाएगा आपका, वाई जेड आ जाएगा, के वाला, है ना? और ये वॉल्यूम जो है, ये जो डिफरेंशिएशन है ये किस में है, तो डी एक्स डी वाई डी जेड के साथ आपका इंटीग्रेट करना होगा, तीनों वॉल्यूम में तीनों डायरेक्शन चाहिए, सो एक्स वाई जेड तीनों आपने लिख दिया, फाइन। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, अब एक्स के रेस्पेक्ट में इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको याद है बाकी टर्म को हम लोग कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, तो 4z यहाँ कॉन्स्टेंट होगा और एक्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, सो आपने यहाँ क्या लिख दिया, 4z। उसी तरीके से वाई के रेस्पेक्ट में इसको जब डिफ्रेंशिएट करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, -2 × y, क्योंकि n इंटू डिफरेंशिएशन y का हमेशा हम लोग जानते हैं y^n = n (y^n-1), सो -2 × y^1, फाइन। प्लस अब यहाँ जेड के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो y क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन में y कांस्टेंट हो जाएगा, सो y (del z/del z) ये 1 हो जाएगा, है ना? तो y (1y) ही हो जाएगा। अब इसके साथ आप क्या लिखेंगे, dx/dy/dz, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को डायरेक्ट यूज करके आपको इस तरीके से पार्शियल
डिफ्रेंसिएशन का डॉट प्रोडक्ट करना। डॉट प्रोडक्ट करने में आपको बहुत सिंपल हो जाता है, डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज वेरी सिंपल, कि आई आई के टर्म को जे जे के साथ और के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और पार्शियल डिफ्रेंसिएशन में एक्स के रेस्पेक्ट में करें तो बाकी चीज़ें कॉन्स्टेंट हो जाती हैं। उस तरीके से आपको बखूबी समझ में आ गया है ना, दिस इज़ द पार्ट ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम। तो इसको भी हम लोग जो वॉल्यूम को आप यहाँ पर लिखते हैं डी एक्स डी वाई डी जे, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस थ्योरम। सो डोंट बी बॉदर फॉर ऑल दीज, राइट, डायरेक्ट आप इसको लिखें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हम लोग प्यार से क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्या निकल के आया, 4z माइनस 2y प्लस y को हम लोग माइनस y लिख सकते हैं dx डिवाइड dz, है ना। और ये वॉल्यूम के लिए जो आपको पूरा दिया हुआ है एरिया बाउंडेड, वो कैसे दिया हुआ, तो x के भी रेस्पेक्ट में 0 to 1, y भी क्या है 0 to 1, z भी क्या है 0 to 1। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक करके सबको यूज कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले आप किसको यूज कर रहे हैं, डी जेड को यूज कर रहे हैं। तो डी जेड के को अगर आप पहले इंटीग्रेट करिएगा तो क्या हो जाएगा, 4z इंटू डी जेड, ठीक ना। तो इंटीग्रेशन जेड डी जेड का क्या होता है, तो इंटीग्रेशन में आपको पता है जेड टू द पावर एन इज इक्वल टू क्या होता है, जेड टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1। सो जेड के पावर 1 है यहाँ पर, और जेड डी जेड को जब आप इंटीग्रेट करिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 कॉन्स्टेंट है एज इट इज, और जेड के पावर एन प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाई एन प्लस 1, सो 1 प्लस 1 2 माइनस वाई जेड, है ना, वाई जेड, वाई कॉन्स्टेंट है इसके लिए तो वाई लिख दीजिए, और डी जेड का इंटीग्रेशन जेड होगा, और ये इसका लिमिट क्या दिया हुआ है, जेड 0 to 1, और बाकी जो है डी एक्स और डी वाई को एज इट इज लिख दीजिए, ये लिमिट अभी है। एक एक करके तीनों को इंटीग्रेट किया जाएगा। देखिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, डी एक्स डी वाई डी जेड तीनों के रेस्पेक्ट में आपको लिमिट दिया हुआ है जेड एक्स वाई जेड का, तो एक एक करके हम लोग सारे इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले डी जेड को जेड के रेस्पेक्ट में फंक्शन को इंटीग्रेट किया हमने, तो अब यहाँ जेड के जगह पर वैल्यू क्या पुट करिएगा, 1, और एक बार क्या पुट करिएगा, 0। तो यहाँ पर अब आपका क्या हो जाएगा, 4 by 2 2z² - 4z, और 0 to 1 एक स्टेप और मैंने कर दिया है, तो z के जगह 1 जब पुट करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये क्या है आपका y है, ये 4 जैसा नहीं होना चाहिए, y है, और z के जगह 1 पुट करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और 0 जब आप पुट कीजिएगा ये माइनस जीरो तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए उस टर्म को मैंने छोड़ दिया और क्या लिख दिया, डी एक्स डी वाई। अगली बार आप किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, डी वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक, इंटीग्रेट। तो जब डी वाई के रेस्पेक्ट में करिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 into dy का इंटीग्रेशन y होगा, सो 2 into y माइनस y into dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y square डिवाइड बाई 2, सो 0 to 1, और dx को एज इट इज लिख दिया आपने, है ना। अब y की जगह आप 1 पुट करिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 into 1 माइनस 1 by 2, और 0 to 1 dx, फाइन। अब इसी तरीके से लास्ट इंटीग्रेशन आपका क्या बचा, 2 into x, सो 2 into x dx क्या हो जाएगा, x ही होगा, माइनस 1 by 2 into x एक्स ही होगा, है ना, तो मतलब 2x - 1/2x हो गया, तो 2x - 1/2x क्या हो जाएगा, माइनस करके देख लीजिए, 2 - 1/2 3/2x हो जाएगा, है ना। तो उसी को मैंने यहाँ लिख दिया 3/2 0 to 1 dx। अब dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, और x के जगह लिमिट 1 पुट करिएगा तो 1 हो जाएगा, और -0, तो फाइनली आपका क्या आएगा, 3/2 × 1 3/2 इसका आंसर होगा। तो आपने देखा कितना आसान सवाल है, आपको थोड़ा सा केयरफुल कहाँ रहना है, ये वाला आप को जो रिलेशन है यू शुड रिमेंबर इट, राइट, ये आपको याद कर रखना पड़ेगा भाई, इसमें कोई गुंजाइश वाली बात नहीं है। फिर आप इसको डेल प्रोडक्ट है आपका, डेल डॉट प्रोडक्ट है, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन के साथ जो भी एफ गिवन रहेगा उसको एज इट इज लिखिएगा। इसमें सावधानी ये बरतनी है कि आई को आई के साथ, जे को जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, आई इंटू आई स्क्वायर 1 हो जाता है। तो इस तरीके से इसको यहाँ लिख दिया गया, डी वी को रिप्लेस किया जाएगा डी एक्स डी वाई डी जेड से, दिस इज द पार्ट ऑफ द थ्योरम, सो डोंट गो बदर फॉर all these thing, right? So, इसके बाद हम लोग इसको क्या किए, एक एक करके पार्शियली जो है इंटीग्रेट करेंगे, है ना। पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए x के रेस्पेक्ट में इस टर्म को, y के रेस्पेक्ट में इस टर्म को, z के रेस्पेक्ट में इस टर्म को, है ना। जब जब हम लोग पार्शियल डिफ्रेंशिएट करते हैं जैसे z को रेस्पेक्ट में, तो बाकी चीज़ें कॉन्स्टेंट होकर कॉमन हो जाती हैं, तो उस तरीके से इसको लिख लिया हम लोगों ने। अब क्या कर रहे हैं, एक एक करके dz dy dx सबको इंटीग्रेट किया। जब हम dz को इंटीग्रेट कर रहे हैं
है जेड के रेस्पेक्ट में पूरे टर्म को, तो डी एक्स डी वाई एज इट इज़ लिखा रहेगा, उसके लिए हम लोग को कोई बॉदर नहीं करना है, हमको नहीं ध्यान देना है कि ये डी एक्स डी वाई भी है कि नहीं। तो यहाँ पर इसी तरीके से देखिए, फोर जेड माइनस वाई हो गया आपका, तो फोर जेड को आप सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ फोर जेड और डी जेड को ध्यान रखिए। तो फोर जेड, जेड और डी जेड का इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर बाई टू हो जाता है, और वाई कॉन्स्टेंट हो गया यहाँ पर, तो जेड जेड हो गया डी जेड का इंटीग्रेशन, है ना। उसी तरीके से इसमें ये डेफिनेट इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है कि हम लोग क्या करते हैं, अपर लिमिट को पुट करते हैं माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट तो बेचारा जीरो है, तो इसको तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें अपर लिमिट पुट किया ये आ गया। अब इस टर्म को हम लोग क्या करेंगे, डी वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, डी एक्स को अभी भूल जाएंगे, तो हम लोग को बस इतना ही दिखाई देगा कि यस दिस इज डी वाई। तो डी वाई के रेस्पेक्ट में जब आप यहाँ पर इंटीग्रेट किए तो क्या हो गया आपका, इसको करिएगा, है ना, क्योंकि तो जेड वन से रिप्लेस हो गया, तो यहाँ टू इंटू वाई हो गया। अब वाई का डी वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई टू हो गया, है ना, वाई टू द पावर एन इज इक्वल टू वाई टू द पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, दिज आर बेसिक फार्मूलाज, है ना, जीरो टू वन। अब इसको डी एस के रेस्पेक्ट में किया, देखिए कितना सिंपल सरल सवाल था, कहीं कोई बॉदर नहीं करना है, लेकिन आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है ना, अपने नोटबुक पर कॉपी पर लिख लेना। मुझे लगता है सवाल तो एज इट इज़ कभी रिपीट नहीं होने की संभावना है, पर अगर आपको इस डाइवर्जेंस थ्योरम पर कोई भी सवाल आएगा तो हमें लगता है आप बना सकते हैं। एफ तो गिवन रहेगा, ये बाउंड्री गिवन रहेगा, तो आप इंटीग्रेट कर लेंगे। सो प्लीज़ गो थ्रू दीज क्वेश्चंस, आप इसको नोटबुक पे ज़रूर बनाएं, खुद से बनाएं, जहाँ दिक्कत हो आप वीडियो को रिमाइंड करके देख लें, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा आप लोग को, लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा, और ऑल दी बेस्ट। मैं फिर बहुत जल्दी आपके सामने हाजिर होंगी अगले सवाल को लेकर के, मैं कोशिश कर रही हूँ जितना जल्दी हो सके आप लोग को मैं वीडियो प्रोवाइड करूँ, मैं जान रही हूँ आप लोग का लगातार रिक्वेस्ट आ रहा है, बट आई एम ऑल्सो ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आप लोग को जल्दी से जल्दी वीडियो दे सकूँ, ठीक है। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।